हमने इन नेताओं को, जो नेता सत्ता में बैठे हैं, इन सबको हमने वोट दिया, इनको हमने प्रशासन में बिठाया, इनको हमने मान सम्मान दिया। अब ये सारे नेता घमंडी हो चुके हैं और अपने सौभे अपने घमंड के चूर में वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये जो प्रशासन में और ये तंत्र में सरकार में लोग बैठे हैं, ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के हम विरोध करते हैं और कोई भी ऐसा षड्यंत्र आगे भविष्य में होगा उसकी हम महापंचायत बुलाएंगे और बड़ा आंदोलन होगा। पूरे देश में आग लगी हुई है। मंत्री जी ना उस कार्यक्रम में गए, उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया। मंत्री जी ने अगर प्रेस नोट जारी किया है, गलती कार्यक्रम में नहीं गए हैं, ये उन्होंने एक अच्छा संकेत दिया है। इस चीज के लिए मंत्री जी को हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो इस चीज को लिए मंत्री जी धन्यवाद करते हैं। पर ये मंत्री जी के अपना इलाका है, उनको अपने लोगों के साथ जुड़ के और करना चाहिए था। सौहार्द्र को ऐसा बनाएंगे वहाँ कुछ भी कार्यक्रम बिल्कुल ही नहीं होता तो हम मंत्री जी को जिंदाबाद के नारे लगाते। मंत्री जी ने मूर्ति नहीं हटवाई, मंत्री जी ने प्रशासन को सीधा सख्त संदेश नहीं दिया कि कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम फिर भी हुआ, मंत्री जी को रोकना चाहिए था। इतना आंदोलित है युवा, राजपूत युवा और देश का युवा,
उसको इनको उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए। और ऐसे किसी कार्यक्रम में कोई भी अगर वो नहीं गए, ये बहुत अच्छा किया, और नेता नहीं गए, ये भी अच्छा किया। मंत्री जी का पुतला जलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मंत्री जी का पुतला नहीं है, पूरे सरकार उस तंत्र का पुतला है। ये मंत्री जी तो सांकेतिक है, वो पूरे सरकार और तंत्र का पुतला है जो जातिवाद फैला रहे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अगर दो समाजों के बीच में लड़ाई कराता है तो मंत्री जी जो हमारे मौजूद लोग हैं, जो जिनको समाज ने सरकार में बिठाया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी जातियों को, सारे समाज को एक साथ लेके चलें। अगर वो किसी विशेष समाज से आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को डबल नहीं मानते हैं तो वो उसका विरोध है, और उसी लिए हमने ये पुतला फूका है, उसी लिए हमने विरोध प्रदर्शित किया। तो और भी किसी का पुतला फूक सकते थे, लेकिन मंत्री जी का? हम कृष्णपाल गुर्जर जी के नहीं, हम मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और प्रशासन में जो भी हमारे बैठे हैं, जो कि जातिवाद के नाम पे जाके जहर घोल रहे हैं, उन सबका हम विरोध करते हैं। अगर वो शिक्षा मंत्री जाके अगर कोई स्मारक का नाम देते हैं, मूर्ति लगाते हैं और वो बोलते हैं गुर्जर सम्राट है और इतिहास से वो भी छेड़छाड़ करते हैं, तो हम उनका भी विरोध करते हैं, हम उनके भी पुतले फूकेंगे। आज तो बल्कि हमने अपने लड़कों को और लोगों को रोक लिया, क्योंकि कार्यक्रम वहाँ पे नहीं हो पाया ठीक से, इस चीज़ का जो संकेत गया, इसलिए हमने लड़कों को रोक लिया। वरना यहाँ 1000-2000 की भीड़ हो जाती, हाईवे जाम हो जाता। हमने इस चीज़ को कंट्रोल किया, आज हमने बहुत संयम से कंट्रोल किया, वरना ये 2000 की भीड़ होकर ये हाईवे जाम हो जाता और ये कई घंटों तक जाम नहीं खुलता। हमने अपने लोगों को समझाया कि मंत्री जी और लोग उसमें साथ नहीं दे रहे, और ये हम इनके साथ बैठ के फिर से मीटिंग करेंगे कि ये जो भी साथ हुआ है, थोड़ा बहुत भी हुआ है, क्या ये हुआ है, क्या जानकारी है आपको? हमारे पास जो जानकारी है, वहाँ पे लोग बैठे और उन्होंने उद्घाटन अनावरण किया, 15-20 लोग बैठे, 20 लोग बैठे। किसका? मूर्ति का, मूर्ति अनंगपाल तोमर जी की, और उन्होंने हमारे महाराज मीर भोज की, मीर भोज प्रतिहार जी की मूर्ति का अनावरण किया है, अपनी चौपाल में किया है। मूर्ति का अनावरण तो कोई भी कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत क्या है आपको? मूर्ति के अनावरण में दिक्कत ये है कि वो जाति का चिन्ह लगा के उन मूर्तियों को, उन महापुरुषों को छोटा किया जा रहा है, उनके कद को कम किया जा रहा है। वो सारे समाज के हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, उनको अपना बना के उनको अपना नीचा किया जा रहा है, उनका कद छोटा करने मतलब की, उनको एक जाति से जोड़ दिया गया, उनको जाति विशेष से जोड़ना अपराध है। और ये जो षड्यंत्रकारी हैं, उन षड्यंत्रों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। हमने प्रशासन में मांग की, हमने DC को ज्ञापन दिया, हमने CP को ज्ञापन दिया, हमने पुलिस, हमने MCF कमिश्नर को लिखा कि आपकी जमीन, पंचायत की जमीन जो कि MCF के अंडर में आती है, उस पर कब्जा किया जा रहा है और उसका अतिक्रमण हटाया जाए। उस पर कोई संतोषजनक कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। ये आंदोलन एक संकेत है कि संकोच आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अगर ये आंदोलन और ये हमारी बात जो हमने दे रखी है, हमने ज्ञापन दे रखा है, हमने कंप्लेंट दे रखी है लिखित में, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम और बड़ी महापंचायत बुलाएंगे। सारे भारत में राजपूत बहुत हैं और जाटों को भी उन्होंने अपमानित किया है। उन्होंने दो सरकार की रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट के ऊपर बहुत अपमानजनक टिप्पणी की है। कोई भी समाज का व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं कि वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गुर्जर तथाकथित गुर्जर समाज के लोग, उन लोगों ने जो ये अपमानजनक की हमारी सेना पे की है, ये देशद्रोह है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। और अगर ये नहीं मानते हमारी मांग तो हम इसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन। गुर्जर तो आगे क्या करेंगे आप लोग? कृष्णपाल गुर्जर जी से हम जब बैठे, उनसे हमने बात की, उन्होंने बोला कि हमें तो राजपूतों ने यहाँ खड़ा किया, हमें बिठाया, यहाँ तक लाया, हमारे मान सम्मान दिया, अगर वो हमारे साथ हैं तो हम उनको साथ लेके ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। वो सामाजिक तत्व हैं, सारा गुर्जर समाज उनके साथ नहीं खड़ा है। आज ये संकेत उन्होंने भी दिया, उस गांव के लोगों ने भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया, आसपास कोई गांव के लोग नहीं आए उनके पास। ये अपने आप में संकेत है कि सारा गुर्जर समाज उनके साथ नहीं खड़ा है। दो चार चंद लोग ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि देशद्रोह कर रहे हैं, जाति में हिंसा फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहेंगे, और जब तक ये काम नहीं खत्म होगा हम ये मांग खत्म नहीं करेंगे। ठीक है। सर, एक और हमारे साथ।